और आज हम हैं शिंदा शिंदा नू पापा के मीडिया कॉन्फ्रेंस पे। आज गिप्पी गरेवाल उनके बेटे आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा उनके मूवी के ऊपर। तो देखते हैं इवेंट कैसा रहता है, बने रहिए वीडियो पर। टफेस्ट सीन मिनटल आई थिंक द टफेस्ट सीन इज एक सीन सी जो तो पापा ने मेनू बहुत डांटना सी ते मम्मा भी सेट दे ऊपर सी ते ते पापा ने डांटा ते मम्मा ता रोन लग गई। मम्मा कहंदे एदा कदी डांटा तुसी ते ओ टफ सीन सी लगदा ज्यादा पापा भी टफ सी मैं बस फोन ही देख रहा सी पर या आई थिंक दैट वाज अ टफ सीन। पूजा पूजा तो मेरा क्वेश्चन है कि जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मतलब एक मॉम के साथ एक पर्सनल कनेक्ट होता है, लेकिन फादर के साथ लड़के उतने कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस मूवी से आपको क्या लगता है कि ये चीज चेंज होगी मूवी देखने के बाद? एक्टिंग तो ये होनी चाहिए, एक्टिंग होनी भी चाहिए, और मुझे ना ये चीज समझ भी नहीं आती। मैं मानता हूँ कि अब मेरे बच्चे भी ज्यादा क्लोज अपनी माँ के, तो उनको ज्यादा चीजें बताते हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है 16, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहता है, मैं आपको जनरली बताऊँ। मैं अक्सर तौर पर मैंने पहले डिस्कस किया था कि यार बच्चे ना जब बड़े होते जाते हैं ना तो वो अपने बाप को हग वग करना बंद कर देते हैं, है ना। तो उसको वैसे कडल नहीं करते जैसे रेगुलर रूटीन में होता है, तो वी मिस दैट। क्योंकि मुझे होता है कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में था जब मेरे फादर चले गए थे, तो मैं बहुत मिस करता था। आज तक वही चीज़ को करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अब जब मेरे बच्चे हैं तो मुझे वही मोमेंट्स कई बार याद आती हैं जो अपनी छोटे होते की। तो मुझे हमेशा रहता है, मैं अपने बड़े बेटे को ना बहुत सी ऐसी चीज़ें बैठ कर डिस्कस करता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ ऐसी कि ये होना चाहिए। एक दिन इसी ने मुझे इंटरव्यू में ऐसे बात करते करते बताया कि पापा आपको बताया कि बड़े बेटे का नाम एकम है, कि एकम के फ़ोन के ऊपर अलार्म सेट किए हुए हैं, जैसे 7 बजते हैं तो उस पर अलार्म बजता है कि गो हग पापा, है ना। तो 9 बजते हैं कि डू सेट विद पापा, है ना, टॉक टू हिम, है ना। तो वो आता है रेगुलर, तो मुझे क्या है चाहे वो वैसे आता है तो उसमें आता है, बट जब हम टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमारी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी प्रॉब्लम सम टाइम क्या होती है, मुझे जो लगता है कि हम बच्चे को समझाना चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते। तो समझना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर अब ये है, इसके कई फेवरेट कार्टून हैं, क्या नारुतो देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका दोस्त बनूँ ना, मुझे नारुतो से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे उसके साथ आप प्ले स्टेशन खेलते हैं, गेमर करते हैं, मैं 7 बजे जाके बैठता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता, मैं हार जाता हूँ 1 मिनट में। तो आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। बास्केटबॉल में इसके चक्कर में खेलने लगा हूँ, मुझे बास्केटबॉल का कुछ नहीं आता, तो इनके साथ खेलता हूँ, अब मैं खेलने भी लग गया थोड़ी थोड़ी। तो वो एक जेन्युइन आपका, क्योंकि हर चीज़ में ना आप टाइम नहीं स्पेंड करना, इमोशन आना चाहिए। और जब इमोशन कनेक्ट नहीं होता, आप टाइम ही स्पेंड कर रहे होंगे यार आपके मुझे आधा घंटा बैठना है, उसका कोई फायदा नहीं। इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। जी भी भाई, फिल्म के पीछे बनाने का कांसेप्ट ये किस तरह आते मतलब दिमाग से आया, थोड़ा उसके बारे में कुछ शेयर करना? भाई मेरे तो आया ही नहीं दिमाग से, ये राइटर ने ही दिमाग से आया, उन्होंने लिया के कांसेप्ट मेनू सुना दता, ते राइटर डायरेक्टर ने कहने गया, ते मेनू लगया कि यार वधिया बहुत है, मैं बहुत इंप्रेस होया सब्जेक्ट सुन के, एंड मैं बहुत एप्रीशिएट किया उन्होंने, एंड मैं राइट वे उन्होंने कहा कि आप इनू बढ़ावे। आप पहले तो बहुत मेहनत करी असी, उस तो बाद भी स्क्रिप्ट के छोटिया छोटिया चीज़ों पिछले बहुत लड़ाई झगड़े की, इदा करते हैं उदा करते हैं, बहुत एफर्ट ना बनाई, ऐदा ही नहीं बना ली कि यार जिदा असं रेगूलर सम असं कॉमेडी फिल्म बनाते हैं ना, सानू पता होता कि यार असं 5-4 अच्छे एक्टर है, आइडिया अच्छा ये हसाया जा सकता कि लेट्स डू इट, असी हसा लेने। बट ये इदा नहीं किया, ये असी टाइम स्पेंड किया कल कल सीन कल कल इमोशन, जितने लगता कि इतने यार लोग आप इतने लोगों के अखा च पानी आ सकता यार ये वट इमोशन, सो उन्होंने असी खेडिया। हाँ Yeah. जो आपका और पंजाबी मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है डे टू डे लाइफ दिखाना कि कैसे घर में होती है, किस तरह की चीजें होती है, बच्चे कैसे सफर करते हैं, उस तरह की चीजें बॉलीवुड मूवीज में कहीं ना कहीं नहीं देखी जाती, क्योंकि आपकी मूवी है पंजाबी,
तो हिंदी बैंक के लोगों को शायद हो सकता है उनको पंजाबी ना समझ में आए या उतना कनेक्ट ना कर पाए, तो क्या हिंदी बैंक के लोगों के लिए आप कुछ ऐसी मूवीज करेंगे और आगे कुछ ऐसे सोशल मुद्दों पर मूवी बनाने की? और देखिए, मुझे तो ऐसे लगता नहीं है कि अगर कोई हिंदी बैंक वाला इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। वो सब मुंडिया चढ़ती ठारी मजानी कितना देसी है, क्या ठारी ठारी उनको क्या समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं कई बार लोगों को मिलता हूँ इधर उधर, कई बार मुझे लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, प्लेन में मिल जाते हैं, हम बड़ी खुश हो गए, हमने पाजी हमने कैरी ऑन लटा 100 बार देखी है हमारे ऐसे। तो अगर उनको वो सारी बात हिंदी में बोल रहे हैं, सब कुछ हिंदी में कर रहे हैं, तो उनको कैसे समझ आई, उनको समझ आई? क्योंकि जो सिनेमा है ना, म्यूजिक है, फिल्में हैं, यार ये इमोशन है, इनका लैंग्वेज का कोई लेन देन नहीं है। हम बैठे कोरियन फिल्में देख लेते हैं, कोरियन समझ आती है ना, इंग्लिश समझ आती है, फिल्म हमें पूरी समझ आती है। कैसे कि हमें पता चल रहा है कि यार क्या है हम, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली ऑडियंस को समझ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैरी ऑन जट्टा 3 जिस दिन रिलीज हुई थी, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लड़ रहा था कि यार इतनी अच्छी फिल्म है, सब जगह सोल्ड आउट है, हमें चेन्नई लगाने की क्या जरूरत थी कि वहाँ पे अगर ऐसे आ गया कि खाली पड़ा है। तो आपको बताऊं, वहाँ पे पहले दिन पता नहीं शायद 10-15-20 शो थे, नेक्स्ट डे ट्रिपल से भी ज्यादा शो थे, सबके सब सोल्ड आउट, एक भी टिकट नहीं थी 2 हफ्ते के लिए। तो कहाँ से लोग बैठे चेन्नई में देख रहे हैं फिल्म? क्या था कि फिल्म जब राइट है तो सब देखते हैं। अपनी मर्जी से करता है ये, पीछे जब ये कर रहा था वो हौसला रख तो वहाँ पे बैठा होता था, तो ये वो एक कॉप को आती थी आइस कैप, वो कॉफी सी, तो बहुत पीता था, तो दिलजीत के साथ वहाँ पे होता था, तो उसने एक गाना लिख लिया वहाँ पे। अच्छा। तो मेरे को आया कि मैंने गाना लिखा है, मैंने दिलजीत भाई को सुनाया, वो कहते बहुत अच्छा है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, उसको रिलीज भी कर दिया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुमने सिंगर बनना है, कहता नहीं वो तो वही के लिए था, बस और कुछ नहीं करना मैंने। तो फिर ये कहने लग गया, तो अभी तो इसका फॉर्मेट है कि मैंने गेम खेलनी है ना, तो अभी हम इसको ज़्यादा ऐसे नहीं, क्योंकि 1-2 साल बाद इसकी फिल्म आती है कभी, है ना, तो अभी तो वो फोकस छोटा है बहुत, क्योंकि मुझे हमेशा ये है कि इसका जो बचपन है, जो इसके फ्रेंड्स हैं, जो इसकी पढ़ाई है, स्कूल है, वो रेगुलर होना चाहिए, वो थोड़ी वापस आना है काम, ये तो फन के लिए करता है अभी, अभी फन फन है। ना कर लड़ाइया दमा दहाइया छड़ दे यार से आपा, ओ चिंदा चिंदा पापा, ओ चिंदा चिंदा पापा, गल मेरी मन ले नो पापा, ओ चिंदा चिंदा नो पापा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, मिलते हैं, बाय।